राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे करीब आई, विपक्ष ने दो बातों पर जोर दिया। पहला ये कि ताला खुलवाने वाली पार्टी तो कांग्रेस थी, और दूसरा ये कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि न्यायालय के कारण ये दिन आया है। पर प्रधानमंत्री इन सारे आरोपों से अलग यजमान की भूमिका में अच्छी तरीके से उतरे। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा से पहले उन्होंने एक एक पूजा की, हर नियम का पालन किया, कथा सुनी, अलग अलग मंदिरों में गए, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश बस देखता ही रह गया। राम मंदिर को लेकर इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति दे। पूरे देश को दंग कर देने वाली ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में एक दिन में आकर नहीं गिर गए हैं। इसके लिए उन्होंने राम भक्तों का यह भरोसा हासिल किया है कि वही देश का भाग्य बदल सकते हैं। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति दे। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। नासिक के कालाराम मंदिर से आंध्र के वीरभद्र मंदिर तक, धनुषकोडी के श्री कोथम ड्रामा स्वामी मंदिर से रामनाथ स्वामी मंदिर तक, मंदिर उद्घाटन से पहले भगवान श्री राम के नाम की जो हवा चली, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की राजनीति में आसमान सा ऊंचा बना दिया। भारत में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके पास धर्म के रास्तों पर चलकर राजनीतिक समीकरणों को साधने की ऐसी कला हो। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे, मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। दक्षिण के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर पीएम मोदी एक यजमान की भूमिका में श्री राम की भक्ति और राम नाम का स्मरण करते रहे। ये सवाल तो खत्म हो ही चुका कि नरेंद्र मोदी की सियासत की ऊंचाई क्या है। लोकतंत्र में मतलब जिसके साथ जनता होती है उनको सत्ता मिलती है, उसी तरह मुझे लगता है कि जो 18वीं लोकसभा है, इस लोकसभा में दोबारा नरेंद्र मोदी जी आएगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। मुझे लगता नहीं कि ये कड़ी चुनौती है। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है ये बहुत आसान चुनौती और हर बार से बड़ा इतिहास इस बार हम लोग की सरकार रच दे। 400 का तो लक्ष्य मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण से ही पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर को पूरे देश में किसी जादू की तरह स्थापित कर दिया है। दुनिया भर में रह रहे करोड़ों राम भक्त मंदिर के इंतजार को ही अपना नसीब मान चुके थे, लेकिन 22 जनवरी की तस्वीरों ने सिद्ध कर दिया कि जनता मोदी पर उठे हर सवाल को खारिज कर चुकी है, और इतना ही नहीं उन्हें हर सवाल का जवाब भी मान चुकी है। हम लोग सब महल में रहते हैं, हमारा भगवान झोपड़ी में रहते हैं, उसके आज महल मिल गया, हम लोग आज खुशी के
इसलिए हमको आंसू आ रहे हैं, कुर्सी के ममता के आंसू से आ रहे हैं। 20 साल से है यहाँ, मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, और उनकी कृपा है से उनने बनवा दो, भगवान राम लला को कर दो, इसकी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता जितनी उनने कर दी, मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सागर से सरयू तक की यात्रा की, जिसके लिए वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु गए। ये एक वो रूट है जहां लोकसभा की 212 सीटें आती हैं, यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और तमिलनाडु की 39। 2019 में इन 212 में से 95 सीटें एनडीए के खाते में आई, जबकि 75 अकेले बीजेपी के। प्रधानमंत्री मोदी विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा पर थे, लेकिन धार्मिक भावनाओं का असर जनता के मन पर भी पड़ता है। मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। ये यूं ही नहीं है कि प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि भारत की सियासत में आज मोदी के टक्कर में कोई दूसरा नाम नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। मैनिफेस्टो पर कायम बीजेपी के लिए 3 मुद्दे 1980 में उसकी स्थापना और कुछ उससे पहले से भी, यानी जनसंघ के जमाने से दिल के करीब रहे। ये मुद्दे हमेशा से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहे। इन मुद्दों के आधार पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़े और जीते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना हो, राम मंदिर निर्माण हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी एक झलक उत्तराखंड से लोगों को नजर आएगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जिन 3 मुद्दों का जिक्र संसद में कर रहे थे, उनमें से 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे हो गए। पहला, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना। तीसरा, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे राम आ गए, सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी के नेतृत्व में
बीजेपी ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामक निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। अब बारी तीसरे मुद्दे की, यानी शादी ब्याह के मामलों में समान नागरिक कानून की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हो गया। ये कानून सबकी समानता का कानून है। ये कानून मातृशक्ति के उत्थान का, उनके सशक्तिकरण का, आत्मनिर्भरता का, उनका आत्म बल से वो रह पाए, स्वाभिमान के साथ जी पाए, किसी प्रकार की कुरूतियाँ जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा करती है, उससे उबारने का काम ये विधेयक करेगा, ये एक्ट करेगा। हमारा तो ये रहेगा कि हम जहाँ राज्य में लागू कर रहे हैं, अन्य राज्य भी इसको लागू करें, अच्छा कानून। जाहिर है वो चुनावी वादे जो कई साल से धूल खा रहे थे, पीएम मोदी उनको एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो इसको बीजेपी 2024 के चुनावों में वोटों में तब्दील होने वाले एक यकीन के तौर पर भी देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। वो ये जानते हैं कि जनता उनके नाम पर वोट देती है, लेकिन जनता से कनेक्ट करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। नमो ऐप पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का घोषणा पत्र, बीजेपी का मैनिफेस्टो, या कहो बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए, इससे जुड़े सुझाव भी आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। मोदी मैजिक कहे या बीजेपी थिंक टैंक की रणनीति, चुनावी विश्लेषक भी अब 2024 को बीजेपी की पहुंच से दूर नहीं देखते।